आर्म्स जो थे हमारे, वो एक हमारे विष्णु के अवतार थे। वो यहाँ पर एक अवतार लेकर लेके जन्म आए थे। उनका एक मकसद ये था कि भाई कि जो बुराई है उसको खत्म करना है और जो जो अच्छा है उसको फैलाना है। डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा भी डायलॉग भूल जाते हो तो ये हो के होता है कि यार राम ही डायलॉग भूल गया। डेज यहाँ महीना पहले जो है रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें रोज़ यहाँ पे आना पड़ता है। रोज़ यहाँ आते हैं, शाम को आते हैं, रात तक रिहर्सल चलती है। जैसे कि ताज हो गए, वो कवच हो गए, हनुमान के डंडे हो गए, तीर हो गई, बाले हो गए, पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती है ना, वो सब देख देख के भाई कैसे बनता है उसी हिसाब से भी बनाना पड़ता है। किरदार है सीता माता का, सीता माता मतलब राम की मतलब वाइफ होती है, तो रावण को हरण करके ले जाता है। तो हिसाब से मतलब मैं रावण के पास हूँ, राम भगवान उनसे कर रहे फाइट, मतलब मेरे लिए फाइट कर रहे, मतलब फाइट में विन हो जाएंगे तो मतलब मैं उनके साथ चली जाऊँगी। और अप्रिशिएट होते हैं इनको देख के कि अगले साल हम और भी अच्छा करें। इनको देख के हमारी खुशी होती है कि हम जो भी हमें देख रहा हो कि वो खुश होकर यहाँ से जाए, कोई निराश होकर ना जाए। यहाँ पे हम खुली आज़ादी तरीके से हम अपने फेस्टिवल प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हमें तो और भी अच्छा लगता है। अभी भी समय है, मुझे मेरी सीता लौटा दे वरना अपनी मिट्टी को गले लगा ले। ये अभिमान तो बनता है, ये गुरु गमन से मुझ रावण पर उतरता है। Thank you.